हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सर्वो मोटर के ऊपर बना रहे हैं। कस्टमर की ये शिकायत रहती है कि आप जो भी चीज़ का वीडियो बनाते हैं कहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी है, हर चीज़ उसमें तारीफ ही करते हैं। तो मैंने आज यही सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जो थोड़ा सस्ते क्वालिटी का भी प्रोडक्ट हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सर्वो मोटर इसके अंदर है। क्या है कुछ आपको दिखेगा नहीं, कार्टून क्लीन रहेगा। 550 वाट की मोटर है, इसका वज़न 3.5 kg नेट है, 4 kg का कार्टून के साथ। इससे पहले हम फुकेन की सर्वो मोटर के ऊपर वीडियो बनाए हैं और स्विफ्ट के ऊपर भी बनाए हुए हैं, उनका भी आप वीडियो देखिए और उनसे और इसको कंपेयर करिएगा, तो आप खुद पाएंगे कि बेस्ट क्वालिटी की मोटर में और थोड़ा सा कम रेट की क्वालिटी की मोटर में क्या फ़र्क होता है। इसमें पहला तो आप देखें, कोई ब्रांड नहीं है, कोई कंपनी का नाम आपको नहीं मिलेगा। अब चलिए मोटर को खोल के भी देखते हैं कि आखिर ये अंदर से है कैसे। सर्वो मोटर और क्लच मोटर जो पहले आती थी उसमें क्या कंपैरिजन है, क्या फ़र्क होता है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो है जिसमें आपको सर्वो मोटर वर्सेस क्लच मोटर पे बनाया गया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। ये सर्वो मोटर है फ्रेंड्स, 550 वाट की। आजकल ऐसे ज़्यादातर जितनी भी हाई स्पीड मशीनें आ रही हैं उसमें मोटर इनबिल्ट होता है। मोटर इनबिल्ट का मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, ये जैसे होती है कि मशीन ये हुई और इसी के साथ इसमें मोटर मशीन के साथ लगी होती है। पर कुछ मॉडल ऐसे होते हैं मशीन के जिसमें मोटर इनबिल्ट नहीं होती है, चक्के लगे होते हैं, यहाँ जगह होती है, इसमें बेल्ट लगा करके आप मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वही मोटर है जो आप बेल्ट लगा करके, पुराने ज़माने में जो होता था क्लच मोटर होता था, अब यही क्लच टाइप में आपको सर्वो मोटर मिल जाती है। तो पहला चीज़ ये इसका पावर ऑन ऑफ है, ये थोड़ा स्विच लगाने के लिए पीछे से है, लाइट उठ के लिए इस टाइप के वायर होते हैं तो इसमें खोल दीजिए तो एक अलग से लाइट को भी पावर मिल जाता है, करंट मिल जाता है इस स्विच के माध्यम से। कोई थर्मोकोल डब्बा दे दो, कोई इसमें आपको थर्मोकोल पैकेजिंग नहीं मिलेगी। देखिए सिर्फ ये डब्बा था, उसके अंदर भर करके मोटर आपको मिल जाएगी। इसी वजह से देखिए आपका कुछ थोड़ा सा डैमेज भी यहाँ पर हो गया है ट्रांसपोर्टेशन में। इसमें आपको कोई कंपनी का नाम नहीं मिलेगा, बस एक है कि ये पावर सेवर मोटर है। ये मोटर आपको जो है पटरे के नीचे ऐसे कसा जाएगी, या दिखाएं तो पटरे के नीचे कैसे कसेगी। जी हाँ, ये आपके पटरे के नीचे इस तरह से कस जाएगी फ्रेंड्स। इसी से जो है रॉड, जो नीचे रॉड जाएगा पैडल्स पे कनेक्ट होगा, और जब इसी रॉड को आप पैडल का दबाएंगे, ये जितना दबाएंगे इतनी तेज़ ये मोटर भागेगी। इसके अंदर जो पकड़े रहिएगा, 550 वाट मोटर है। स्पीड इसकी 200 से 6000 RPM, मैक्सिमम 6000 RPM की इसमें स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, मोटर सीधी रख दीजिए। ये पूरा A to Z हर चीज़ एक में है, जैसे आपकी फुकेन की मोटर का भी हमने वीडियो बनाया हुआ था, वो भी इसी तरह मोटर है, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मोटर है फुकेन की। और स्विफ्ट का बनाया था जिसमें सब पार्ट अलग अलग थे, और ये भी सब चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था फुकेन के वीडियो में कि ये सब सामान अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई पैनल में फॉल्ट आपके आ गया तो आप इसको खोल के भेज सकते हैं, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, मोटर अलग हो जाती है। आम तौर पे इतने दिन से तो हम लोग 8 साल से मशीनें बेच ही रहे हैं, 8-10 साल से, कभी ये मोटर में प्रॉब्लम तो नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है तो इसके पैनल में ही प्रॉब्लम आती है। तो इसका हम लोग कनेक्शन करते हैं, ज़रा कनेक्ट कर दें। इस पर हाथ बोलूए मत लगाइएगा, पता लगा टूटा है कहीं से, कोई करंट वरेंट ना हो, खाली पावर का कनेक्शन कर दीजिए। और जो भी पावर सेवर मोटर होती है उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कंपनी की तरफ से कि आप उसका जो रोटेशन है वो रोटेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों सिस्टम मोटर में दिया होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कोई सिस्टम दिया है कि नहीं दिया है, अभी पहले पावर कनेक्ट कर लेते हैं। घुमा दीजिए, हमारे सामने कर दिए ताकि मैं दिखे। ठीक है, ये आ गया वहाँ पे स्विच से।
अच्छा ये स्विच इसमें आ गया। ठीक है थोड़ा स्पीड यहाँ से बढ़ा घटा के दिखा दें। ये मोटर आपकी चल रही है पर ये आपका एरर 01 बता रहा है। अब इसका लिए इसमें किताब एक होती है जिससे पता चलता है कि इसका क्या मतलब है। मोटर जरा हम लोग को जैसे दिखाए मोटर सामने करके कि मोटर घूम रही है ना। हाँ दिखाइए। जी हाँ जी हाँ ये मोटर आपका पूरा फंक्शन कर रही है। पर फ्रेंड्स ये हो सकता है ना कि ये उसका मतलब जो है उल्टे तरीके से रखी हुई है। जैसे इसको सीधा करिए जैसे मोटर में मशीन में कसाएगी उस तरह रखिए। हाँ इसको ऊपर रख करके जी हाँ अब ज़रा देखा जाए। अच्छा अभी भी कर रही है लिए रहिएगा जरा मैं बंद करके देख लूँ। आमतौर पे सभी जो सर्वो मोटर होती है उसके अंदर एक बुक मिलती है जिस बुक में हर एरर का एक मतलब होता है। पर इसके अंदर जो है कोई बुक भी नहीं है जिससे मैं देख के आपको बता सकूं। तो जो कम रेट की चीज़ होती है उसके साथ यही सब होता है। हर चीज़ों में आपको जो है कमी मिलेगी। ठीक है अब ज़रा चला के देखते चल तो रही है पर ये एरर दिखा रहा है। जो भी वजह हो सकता है कि यहाँ इसका ग्रीन बटन थोड़ा सा ब्रेक कर गया इस वजह से ये शो कर रहा। तो यही फ्रेंड आपको ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्ट यही था कि ये कम रेट की मोटर है। आप जब कम रेट की मोटर लेते हैं ये आपको लगभग 1000 रुपये सस्ती पड़ जाएगी। फुकेन की मोटर अगर आज की डेट में 5000 के आसपास है तो ये मोटर आपको लगभग 4500 के आसपास मिल जाएगी। पर जो बेस्ट क्वालिटी की मोटर होती है वो बात इसमें आपको नहीं मिलेगी। अगर रेट कम होगा तो आपको वो नज़र आएगा कि नहीं ये सस्ती चीज़ है। बाकी वारंटी जहाँ से आप लेते हैं वो वारंटी कंपनी देती है नहीं देती है वो आपको जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं वो बता पाएंगे आपको। ब्रांड की मोटर ख़रीदने में प्लस पॉइंट यही होता है कि उनकी सर्विस अच्छी होती है। अगर मोटर में कोई फॉल्ट आता है तो कंपनी वाले उस चीज़ों को देखते हैं और बना करके दे देते हैं। ठीक है मोटर सीधी रख दीजिए अभी। जी हाँ तो इस टाइप की मोटर फ्रेंड्स 550 वाट की ही होती है। जो इस तरह की फुकेन की भी आती है वो भी आपकी 550 वाट की ही मोटर होती है। तो आप अगर सर्वो मोटर लेने का इरादा रखते हैं तो कम रेट की जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे फ्रेंड्स तो आपको कम रेट की प्रोडक्ट्स में आपको देख के समझ में आएगा कि ये कम रेट का है। और कोई ब्रांड की चीज़ आपको कम रेट में नहीं मिलेगी। ब्रांड की चीज़ आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी पर वो क्वालिटी ही अलग होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि एक बार आप जो है हमारा फुकेन का भी सर्वो मोटर देखें और एक बार स्विफ्ट का भी सर्वो मोटर देखें फ्रेंड्स। ठीक है एडजस्टमेंट होकर ठीक है फ्रेंड्स मैं अब ये वीडियो को जो है कंप्लीट कर रहा हूँ। शुक्रिया। ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्ट यही था कि आप अगर कम रेट का सर्वो मोटर या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं कम रेट का तो वो आपको जो है आपको समझ में आएगा ये कम रेट का है और थोड़ा सा चीपनेस दिखेगी आपको हर चीज़ों में। कोई ब्रांड की वो चीज़ नहीं होगी। बाकी सब चलता है फ्रेंड्स जो भी आप लेंगे सब चलेगा। मैं अब वीडियो को कंप्लीट करता हूँ फ्रेंड्स। शुक्रिया।